हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कलशी क्लासेस। आज का ये वीडियो है इंडियन आर्मी में रैली भर्ती के बारे में। अगले कुछ महीनों में अगस्त सितंबर अक्टूबर में कई जोन्स में इंडियन आर्मी रैली भर्ती कंडक्ट करने वाली है। तो ये रैली भर्ती कहाँ कहाँ होंगी, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड होंगे, कौन से ट्रेड्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है www.joinindianarmy.nic.in। और वेबसाइट पे होम पेज पे ही आपको यहाँ JCOOR एनरोलमेंट के सामने रैली नोटिफिकेशन का ये टैब दिखेगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे अगले कुछ महीनों में जो रैली भर्तीज़ होने वाली हैं अलग अलग जोन्स में, उसकी PDFs हैं। तो आप अपने जोन की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने एरिया की PDF चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो रैली भर्ती होती है, इंडियन आर्मी की जो रैली भर्ती होती है, इसमें ट्रेड्स कौन कौन से होते हैं जो जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, जो नॉन ऑफिसर रैंक का जो रिक्रूटमेंट होता है आर्मी में या एयरफोर्स में या फिर इंडियन नेवी में, इसमें आजकल एयरफोर्स और नेवी में एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ामिनेशन सिस्टम हो गया है, जिसमें आपको पहले एक रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आप एक फिजिकल टेस्ट के लिए अपेयर होते हैं, फेज़ टू में अपेयर होते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी का अभी भी पुराना तरीका है रिक्रूटमेंट का। ये लोग पहले आपको एक जगह बुलाते हैं, आपकी रैली होती है, रेस होती है, रेस के बाद आपका फिजिकल होता है, और जब आप वो क्लियर करते हैं आपका मेडिकल होता है, और उसके बाद आपको ये रिटन टेस्ट के लिए ट्रेड वाइज अलग अलग डेट्स पे बुलाते हैं। एक आध महीने बाद वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो हम सबसे पहले जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं जिनकी रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी करती है इन रैली भर्तीज़ के थ्रू, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें मोस्टली जो 5 मेजर ट्रेड्स हैं इंडियन आर्मी के नॉन ऑफिसर रैंक्स के सोल्जर्स के, उनकी रिक्रूटमेंट होती है। सबसे पहले होता है सोल्जर जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप 10th क्लास पास हो, आपके 10th क्लास में 45% मार्क्स हो, और आपके हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 33% मार्क्स हो, मतलब आप पास हो हर सब्जेक्ट में, और टोटल आपका एग्रीगेट जो है 45% मार्क्स हो, तो आप GD ट्रेड के लिए एलिजिबल होते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी जो ट्रेड है, इसमें जो एज होती है वो होती है 17.5 साल से 21 साल। तो अगर आपकी एज 17.5 और 21 के बीच में है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें जो हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, बट मोस्टली 170 स्टैंडर्ड हम कहते हैं, कई जगहों पे 169 सेंटीमीटर्स, 168 सेंटीमीटर्स भी है। तो आपकी जो नोटिफिकेशन होगी आपकी जोन की, वो आप चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना हाइट का रिक्वायरमेंट है। वेट 50 kg के आसपास रहता है, लगभग 50 kg ही रहता है मिनिमम वेट जो रिक्वायर्ड है, 50 kg है। चेस्ट की बात करें तो 77 सेंटीमीटर चेस्ट रिक्वायर्ड रहती है नॉर्मली, और 5 सेंटीमीटर का एक एक्सपेंशन ये लोग डिमांड करते हैं। जब आप सांस लें तो आपकी छाती जो है 5 सेंटीमीटर से एक्सपेंड करे, ऐसी एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये हुई बात सोल्जर जनरल ड्यूटी की। जो अगला ट्रेड है सोल्जर टेक्निकल या फिर सोल्जर टेक्निकल एविएशन या एम्यूनिशन एग्जामिनर, इनका जो क्वालिफिकेशन होता है वो ये होता है कि आप 12th क्लास पास हो, 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स हों, और 12th आपका साइंस साइड से हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़े हों 12th में, और आपका जो एग्रीगेट ऑफ मार्क्स है 12th का, जो टोटल एग्रीगेट है मार्क्स का, वो 50% हो, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपके एटलीस्ट 40% मार्क्स हों। तो ये क्राइटेरिया हो गया टेक्निकल ट्रेड्स के लिए। और अगर हम बात करें नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड की, उसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश पढ़ा हो, और 50% मार्क्स आपके टोटल में हो, 40% ईच सब्जेक्ट में हो। एक ट्रेड होता है क्लर्क का। क्लर्क का ट्रेड काफ़ी एक अच्छा ट्रेड है, जो मैथमेटिक्स, अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, ट्वेल्थ किया है विद कॉमर्स साइड, और तो एलिजिबल होते हैं। तो जो क्लरिकल ट्रेड है उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 12th में या तो मैथ्स या अकाउंट्स पक्का पढ़ाओ। तो अगर आप आर्ट साइड के भी स्टूडेंट हैं और आपने मैथ्स लिया था विद हिस्ट्री, तभी भी आप एलिजिबल हैं क्लरिकल ट्रेड के लिए, क्लर्क ट्रेड के लिए। तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके 12th क्लास में 60% मार्क्स हों, और जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हो वो 50% हो। आपके मैथ्स, इंग्लिश और अकाउंट्स में आपके 50% कंपलसरी हैं। अगर आपने हिंदी लिया है और कोई सब्जेक्ट उसमें अगर 50 से कम भी है तो इट इज़ कंसिडर्ड, बट मैथ्स, इंग्लिश और या अकाउंट्स में आपके 50% पक्का होने चाहिए। तो ये हमारा ट्रेड था क्लर्क वाला ट्रेड। जो आखिरी ट्रेड है वो है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन में भी सब ट्रेड्स होते हैं, तो ट्रेड्समैन में वैसे कुछ ट्रेड्स हैं जिसमें 10th क्लास पास बच्चों को रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन कुछ ट्रेड्स हैं
जैसे हाउसकीपर, मेसकीपर, इनमें अगर आप 8th क्लास पास भी हैं तब भी चलेगा, और इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, बस आप पास हो गए हो 8th क्लास या 10th क्लास तो आप ट्रेड्समैन ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले आपका रेस होगा, और रेस के बाद फिजिकल में होता है आपका पुशअप्स, पुशअप्स के बाद आपके होते हैं सॉरी नॉट पुशअप्स बट पुलअप्स, आपका पहले 1600 मीटर का रेस होगा, और रेस के बाद होगा पुलअप्स, फिर एक 9 फिट का एक गड्ढा होता है जो आपको भाग के आना है, जंप करना है, उसके अक्रॉस कूदना है, और एक zigzag बैलेंस होता है जहां आपको एक बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना है। तो 9 फीट डिच और जो zigzag बैलेंस है ये क्वालिफाइंग राउंड से आपको क्वालिफाई करने ही करने हैं, और जो रेस होती है और जो पुलअप्स होते हैं इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने 5.5 मिनट से कम समय में रेस कवर की तो 60 मार्क्स मिलते हैं आपको, और अगर आपने 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक के बीच में रेस कवर की आपको 48 मार्क्स मिलते हैं उस चीज़ के। पुलअप्स के भी मार्क्स हैं, अगर आपने 10 किए तो 40 मार्क्स, 9 किए तो 33 मार्क्स, 8 किए 27 मार्क्स। तो ये जो फिजिकल है इंडियन आर्मी में, जैसा कि हम जानते हैं कंपेयर टू इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, फिजिकल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट ही होता है, उसके बाद ही आपको मेडिकल या फिर रिटन एग्ज़ाम में अपियर होने का चांस मिलता है। तो ये मोटा मोटा एक ओवरव्यू था कि एग्जैक्टली रैली भर्ती क्या है, क्या प्रोसेस है। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगाएंगे, आप वो वीडियो देखिए, उससे आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो सिलेक्शन प्रोसेस है इंडियन आर्मी का रैली भर्तीज़ में, और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं उसके बारे में आपको एक डिटेल्ड नॉलेज मिलेगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले 2-3 महीने के अंदर कौन कौन से जोन्स में रैली होने वाली है, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट क्या है। अब इंडियन आर्मी रैली भर्ती के लिए भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ता है, पहले की तरह आप डायरेक्टली रैली साइट पे नहीं पहुंच सकते अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है, आपके पास अगर ऑनलाइन एडमिट कार्ड नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहली जो नोटिफिकेशन है कोयम्बटूर के लिए है, ये जो नोटिफिकेशन है ये है 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु के लिए, इरोड, थेनी, मदुरई, दिंदीगुल, द नीलगिरी, धर्मपुरी, कृष्णागिरी, सालेम, कोयम्बटूर, नामक्कल, तिरुपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डोमिसाइल इन डिस्ट्रिक्ट्स का वो एलिजिबल हैं रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। रैली जो है वो कंडक्ट की जाएगी 22 अगस्त से 2 सितंबर के बीच, और इसका जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो है 7 अगस्त। तो हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे जो है हिम्मत नगर के लिए, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हैं वो हैं आनंद, वलसाड़, तापी, दांग्स, नवसारी, साबरकांठा, वडोदरा, मेहसाना, सूरत, बनासकांठा, पटन, नर्मदा, माहीसागर, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली, छोटा उदयपुर, भरूच, खेड़ा, दाहोड, पंचमहल्स एंड यूटीज ऑफ दमन, दादर एंड नगर हवेली। और यहाँ जो रैली होगी वो होगी 28 अगस्त से 9 सितंबर के बीच, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो करने का लास्ट डेट है 12 अगस्त। अगली जो पीडीएफ है, जो नोटिफिकेशन है वो है सांबलपुर के लिए, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हैं वो हैं आंगुल, बालंगीर, बारगा, देनकनाल, देवगढ़, झार सुकुड़ा, क्योंझार, सांबलपुर, सुबरनपुर और सुंदरगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं, और 27 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में रैली होगी। आपके एडमिट कार्ड में आपका एग्जैक्ट डेट और वेन्यू वगैरह भी लिखा रहेगा, और जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो है 11 अगस्त। जो अगली रैली भर्ती है वो है जम्मू और कश्मीर के लिए, और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हैं वो हैं उधमपुर, पुंछ, राजौरी, दोडा, किश्तवाड़, रामबन और रियासी, और यहाँ 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में रैली होगी, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करने की लास्ट डेट है 16 अगस्त। अगली रैली भर्ती जो है वो है दानापुर के लिए, और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं वो हैं पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली। 2 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में रैली होगी, और रजिस्टर करने की आखिरी डेट है 17 अगस्त। अगली नोटिफिकेशन जो है वो है त्रिशूर के लिए, और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं वो हैं कोझिकोड,
कासारगोड, कन्नूर, मलापुरम, पलक्कड़, त्रिशूर और वेनाड एंड यूटी ऑफ माहे। और यहाँ 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में रैली होगी और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त। अगली जो नोटिफिकेशन है वो अगेन त्रिशूर की है और इस बार देखते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं कवर्ड। आई थिंक मैंने सेम पीडीएफ दो बार खोल ली, तो वील स्किप दिस वन, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगली जो ये नोटिफिकेशन है ये सिलीगुड़ी के लिए है और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं वो हैं जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरदौर, मालदा, कालिम्पोंग, उत्तर दानाजपुर, दक्षिण दानाजपुर और कूच बिहार। और यहाँ 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में रैली होगी और रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 अगस्त। अगली नोटिफिकेशन है बैरकपुर के लिए और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हैं 24 पारंगाज नॉर्थ, हुगली, बांकुरा एंड पुरुलिया। 15 से 23 सितंबर के बीच में रैली होगी और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 अगस्त। अगली रैली फिरोजपुर में होगी, फिरोजपुर में रैली होगी 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच और यहाँ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 1 सितंबर। और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड होंगे वो होंगे भटिंडा, फरीदकोट, श्री मुख्तार साहिब, फिरोजपुर, फजिलका और 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में रैली होगी जैसा कि मैंने कहा। नेक्स्ट रैली की तरफ बढ़ेंगे जो है सिलीगुड़ी के लिए और यहाँ पे सिक्किम राज्य के सभी जिलों के लिए है ये रैली। 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में रैली होगी ये और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर। अगली जो नोटिफिकेशन है वो है भरतपुर के लिए और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड हैं वो होंगे भरतपुर, ढोलपुर, करौली और यहाँ जो रैली होगी वो होगी 18 सितंबर से 28 सितंबर के बीच और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी 2 सितंबर। अगली नोटिफिकेशन जो है वो हिसार के लिए है, यहाँ जो जिले कवर्ड हैं वो हैं हिसार, जिंद, फतेहाबाद और सिरसा। यहाँ पर 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में रैली होगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 5 सितंबर। अगली जो रैली है जो पीडीएफ है वो है अल्मोरा के लिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो कवर्ड हैं अल्मोरा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर। यहाँ रैली होगी 21 सितंबर से 30 सितंबर के बीच और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 6 सितंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है पिथौरागढ़ के लिए और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कवर हैं वो हैं पिथौरागढ़ और चंपावत। यहाँ 21 से 23 सितंबर के बीच में रैली होगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 5 सितंबर। तो ये हमने देखा कि अगले जो 2-3 महीने के अंदर जो नोटिफिकेशन मतलब जो रैली होने वाली है इंडियन आर्मी की उनके बारे में था ये। और अभी कई सारी रैलीज़ और होने वाली हैं इस साल क्योंकि साल के शुरुआत में चुनाव हुए और भी कुछ रीज़न्स थे इस कारण से कई जगहों पर रैली नहीं हो पाई। तो जो सेकेंड हाफ है 2019 का यहाँ कई जोन्स में और रैली होने वाली है। अगले कुछ ही हफ्तों में इंडियन आर्मी और भी कुछ जोन्स का रैली अनाउंस करेगी जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होंगे। तो आप कंटिन्यूसली इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in यहाँ पे आप हमेशा आते रहिए और आके आपको ये जो JCOOR एनरोलमेंट है यहाँ जो सामने रैली नोटिफिकेशन लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी नई अगली रैली होने वाली है। इसको आप रेगुलरली चेक किया कीजिए, हर एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद पक्का चेक किया कीजिए। बिकॉज़ होता क्या है कि जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो कैसी होती हैं, ऑल इंडिया के लिए होती हैं, साल में 2 ही बार आती हैं, तो उसको हम बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही सिंसियरली आपको नोटिफाई करते हैं। बट यहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि हम आपको हर रैली भर्ती के बारे में नोटिफाई ना कर पाएँ। तो अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ सोल्जर किसी भी ट्रेड में, टेक्निकल, क्लर्क, GD या नर्सिंग असिस्टेंट या ट्रेड्समैन, तो आप रेगुलरली इस चीज़ को चेक किया कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी रेस को तैयार करते रहिए। जैसा कि हमें पता है कि इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है सोल्जर्स की उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपकी रेस, क्योंकि अगर आप रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी आपका कोई चांस रहता है। अदरवाइज़ आप जो आपका जो इसका क्वेश्चन पेपर बनता है किसी भी ट्रेड का, अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई नहीं रहता है, क्वेश्चंस ठीक ठाक मॉडरेट रहते हैं, ईजी रहते हैं। बट आपको सबसे पहले बहुत अच्छी अपनी रेस तैयार करनी पड़ेगी, बिकॉज आप अगर रेस क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आप
इंडियन आर्मी में एज अ सोल्जर ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि हम आपको बता सकें अपकमिंग जो रैलीज़ होने वाली हैं अलग अलग जोन्स में मेजर कल्शी क्लासेस की तरफ से, इंडियन आर्मी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एज अ सोल्जर जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनको ढेर सारा ऑल द बेस्ट। और अगर आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और पुख्ता करना चाहते हैं, अगर आप यू नो प्रिपरेशन को एनहेंस करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं मेजर कल्शी क्लासेस के जो आर्मी सोल्जर के जो अलग अलग ट्रेड्स के जो बैचेस हैं हमारे, उनसे आप जुड़ सकते हैं, अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी को भी और पुख्ता कर सकते हैं। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, होम पेज पे ही इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहाँ होम पेज पे ही ये जो JCOOR अप्लाई लॉगिन का बटन है आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अगला पेज जो खुल के आएगा उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड मतलब देना बहुत ही मैंडेटरी है, आधार कार्ड और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये इन्फॉर्मेशन आप डाल के अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। आपका एक अकाउंट बन जाता है, आपका एक ईमेल आईडी और पासवर्ड बन जाता है, उसके बाद आप लॉगिन करके आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर पाते हैं। जब भी फ्यूचर में आती है वैकेंसी तभी भी आप अप्लाई कर पाते हैं, बिकॉज आपका आईडी एक ही बार बनता है आर्मी की वेबसाइट पर। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू।